क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीई, पीपीई किसको कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कौन से इक्विपमेंट? हमारे पर्सनल जो हमें क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं, वो वाला सामान। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीई, इसमें क्या चीज़ें आती हैं? हेड प्रोटेक्शन, मतलब हमारे सर की प्रोटेक्शन आती है। आपके पास आपका सेफ्टी हेलमेट है, ठीक है, ये क्या है? हेड प्रोटेक्शन है। फेस शील्ड है, ये किस काम आती है? जब भी हम कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग करते हैं या कोई केमिकल हैंडलिंग करते हैं तो हम पूरी फेस शील्ड लगाते हैं जो हमारे फेस को कवर करती है, ताकि वो कचरा, डस्ट, कोई पार्टिकल्स हमारी आँखों में ना जाएं। थर्ड नंबर पे आती है बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन क्या चीज़ है? जो आपने ओवरऑल पहनी हुई है, ओवरऑल कवर ऑल डांगरी, ये यूनिफॉर्म आपने पहनी हुई है, ये आपकी क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब देखो, ये जो कपड़ा है ना, इसको आग लगाएंगे ना, जल्दी आग पकड़ लेगा। ये जो आपका है ना, इसमें ये फायर प्रूफ भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहन के आपने आग में कूद जाना और आग नहीं लगनी, ऐसा नहीं। लेकिन छोटी मोटी आग इस पर असर नहीं करती। दूसरे कपड़े की निस्बतन ये क्या है? मजबूत होता है, फायर प्रूफ होता है। सेफ्टी शूज़, सेफ्टी शूज़ क्या चीज़ है? जो हम शूज़ पहनते हैं, सेफ्टी शूज़ पहनते हैं, जिसमें सोल प्लेट लगी होती है, ठीक है, टो प्लेट लगी होती है, कॉलर होता है, कंफर्टेबल होता है, जो हमारे पाँव को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस क्या है? जो आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं, सेफ्टी ग्लासेस, वो क्या है? सिर्फ आपकी आंखों को क्या है? प्रोटेक्ट करती है। मतलब आपने जनरल घूमना फिरना, प्लांट में छोटा मोटा काम करना है, तो आपने क्या है? सेफ्टी ग्लासेस लगानी है। गॉगल्स, गॉगल्स क्या चीज़ है? गॉगल्स ये बड़ी ग्लासेस होती हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े होते हैं गॉगल्स, हम क्या है आँखों में लगाते हैं जब भी हमको केमिकल हैंडलिंग करते हैं, तो वो बड़े जो है गॉगल्स लगाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा स्विमिंग करते हैं लोग, वो बड़ी बड़ी गॉगल्स लगाते हैं, ठीक है, पीछे इलास्टिक लगी होती है, वो क्या है? गॉगल्स हैं, वो ज़्यादा एरिए को कवर करती हैं। ग्लव्स, ग्लव्स क्या है? ये हमारे हाथों की प्रोटेक्शन है। जिस तरह हम जनरल काम करते हैं तो हम कॉटन ग्लव्स पहनते हैं, और वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग करते हैं तो लेदर ग्लव्स यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसा शार्प वाला काम है, कोई शार्प एजेस चीज़ें उठानी है, प्लेटें, तो हम क्या है? कट रेजिस्टेंस ग्लव्स पहनते हैं। मुख्तलिफ जो है ना, इसकी केमिकल ग्लव्स आ जाते हैं। हाथों की प्रोटेक्शन काम के हवाले से हम जो है सूटेबल ग्लव्स क्या है पहनते हैं। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन क्या है कि हमने कहीं भी काम करना है जहाँ पर गैसेज हैं, ठीक है, टॉक्सिक गैसेज हैं, इस तरह की कोई चीज़ है, तो हम क्या है रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन पहनते हैं, ताकि हम जो है अपनी मसनूई जो है सांस, और पीछे सिलेंडर होता है जिस तरह स्काबा होता है, वो पहन के सांस लेते हैं, तो ये क्या है कि वो गैस हमारे ऊपर क्या है इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम, हम जो है फ्यूम मास्क पहन लेते हैं, केमिकल हैंडलिंग करनी है तो फ्यूम मास्क, वो क्या है एयर को फिल्टर करके अंदर भेजते हैं, केमिकल और ये पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते। हेयरिंग प्रोटेक्शन क्या है? कानों की प्रोटेक्शन है। देखो, जब बहुत ज़्यादा लाउड हो कहीं पे, साउंड हो बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है हमारे कानों को इफेक्ट करता है। एक जगह पे आप देखो, जैसे जहाज़, एरोप्लेन गुजरता है ऊपर से, कितनी तेज़ आवाज़ होती है, एकदम के लिए बंदा डर सा जाता है, और उसके बाद कुछ देर के लिए बंदा बिल्कुल सुकून महसूस करता है, ऐसे जैसे कोई आवाज़ नहीं आ रही। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी आवाज़ इतनी होती है जो कानों पर इफ़ेक्ट करती है, छोटी मोटी आवाज़ बाद में सुनाई नहीं देती है। ये क्या है? हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एयर प्लग यूज़ करते हैं, या एयर मफ यूज़ करते हैं, जो इस तरह ऊपर लगाया जाता है पूरा, ज़्यादा नॉइज़ हो तो एयर मफ यूज़ किया जाता है। डस्ट मास्क है, कोई जनरल सा काम करना है आपने कहीं पे, कोई मिट्टी धूल उड़ रही है, तो उसके लिए हम डस्ट मास्क यूज़ करते हैं। या फिर कोई जो है किसी को कोई वबा है, कोई अछूती बीमारी है, जिस तरह फ्लू हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो इस तरह क्या है बंदे को डस्ट मास्क यूज़ करना चाहिए। ये क्या है? ये हमारे पीपीज़ हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं।